अब गूगल की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है, एप्पल के आईफोन की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मतलब शौक के ऊपर बात है। पर लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक आइडिया आपको अर्श से फर्श तक ले जा सकता है, आइडिया आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, नहाते धोते खाते पीते, एनी वे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको वहाँ पे भी आइडिया मिल सकता है। तो जैसे ही आपका फर्ज ये बनता है कि जैसे ही आपको आइडिया कोई नज़र आता है, आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ में पोटेंशियल है, तो आप तुरंत उसे नोटपैड में नोट कीजिए या आपके फ़ोन में कोई ऐप है आप उसमें नोट कीजिए, और उस चीज़ को नोट करने के बाद आप उस पर घर पर आके उस पर काम कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है काम करने का तो आप उसको नोट करके रखिए, कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो आइडिया आपके काम ज़रूर आएगा। तो ये पॉइंट्स ना आप नोट करते रहिए, जहाँ पे भी आपको आइडिया लगे दिखे और इन सब चीज़ें आपको मिले तुरंत आप नोट कर लीजिए। ये अगर आपको उस टाइम पे काम नहीं आ रहा तो फ्यूचर में आपको ज़रूर काम आएगा, और उस चीज़ पे आप होमवर्क करते रहिए। सेकंड पॉइंट है बार कोड का यूज़। देखिए पहले ज़माने में ना नॉर्मली सब होते थे, मुनीम मुनीम ये सब होते थे, तो कुछ भी इन्वेंट्री आ रही है तो उनके खाते बुक में लिखा जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो जो बार कोड टेक्नोलॉजी है आपको वो यूज़ करना चाहिए। अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इनमें बार कोड लगाइए, तो इन्वेंट्री का आना जाना, प्रोडक्ट को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करना चाहिए आपको। और आने वाले टाइम में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कीजिए, यूज़ कीजिए अपने बिजनेस में, देखिए आपको कहाँ से उस चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अब आप देखिए आपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते थे, बार कोड के यूज़ के बाद स्पीड आ गई है ना। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, यानी कि बार कोड टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, टेक्नोलॉजी में बार कोड टेक्नोलॉजी आई, इसका यूज़ हुआ, तो एकदम से स्पीड आ गई। अब कोई सुबह से शाम तक एक ट्रक उतरता था, अब तो बस धड़ाधड़ उतरते रहो, बार कोड से स्कैन होता रहता है, प्रोडक्ट अंदर जाते रहते हैं, स्कैन होता रहता है, प्रोडक्ट बिकते रहते हैं। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका आप ईजीली यूज़ करो, बस आई द वे इस पॉइंट का यही मतलब है। ज़रूरी नहीं है कि बार कोड का यूज़ करो, एनीवे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसका यूज़ कीजिए अपने बिजनेस में, कि कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने ये पता लगा लिया कि दुनिया की प्रॉब्लम क्या है और दुनिया को क्या चाहिए, है ना, या तो पता लगा लो कि दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन निकाल दो, या फिर पता लगाओ कि दुनिया को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है दुनिया की, कुछ ऐसा इन्वेंट करो, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो दुनिया के लिए ज़रूरत बन जा, उसकी आदत बन जा, उसकी हैबिट बन जा, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे बिजनेस में। नई सफलता का, बड़ी सफलता का ये सबसे बड़ा राज है, कुछ नया क्रिएट करना और वो दुनिया के लिए ज़रूरतमंद बना देना, मतलब उसे उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए और मैसिव स्केल पर ज़रूरत होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड स्केल पर ज़रूरत होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर स्केल ज़रूरत होनी चाहिए। अब गूगल की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है, एप्पल के आईफोन की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मतलब शौक के ऊपर बात है। पर लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, तो ये क्रिएटिव है, क्रिएट किया है इन्होंने, तो इनकी सबको ज़रूरत है ना, इतना बड़ा मार्केट है, सबको ज़रूरत है, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर आप ऐसा सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप बिज़नेस में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि दुनिया के ज़्यादातर बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, तो दुनिया के ज़्यादातर बिजनेस फेल होने का रीज़न क्या है, उनको एक अच्छी मेन पावर नहीं मिल पाती, यानी कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो अच्छा नहीं हो पाता, अच्छी स्किल्स के लोग वो हायर नहीं कर पाते। अगर गुड मेन पावर, अच्छी मेन पावर उन्हें मिल भी जाती है, तो उनका लीडर या फिर उनके जो टीम लीडर हैं उनका इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनका अच्छा एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो सारी की सारी मेन पावर चली जाती है, अच्छी मेन पावर चली जाती है, टिक नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर मेन पावर को आप नहीं टिका पाए तो बिज़नेस भी आप नहीं कर पाएंगे, आप समझ लेना इस बात को। तो मेन पावर टिकाना बहुत बड़ी बात है, और अच्छी मेन पावर टिकाना वो सबसे बड़ी बात है। तो HR डिपार्टमेंट इज़ मस्ट, मतलब HR डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और HR डिपार्टमेंट ही आपको नई नई मेन पावर हायर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए HR डिपार्टमेंट का सीधा सीधा सा फंडा ये रहता है कि वो हायर करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें क्या स्किल है और इसको कहाँ फिट करना है। अगर इसमें टेक्नोलॉजी की स्किल है तो टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में फिट कर दिया, सेल्स की स्किल है तो सेल्स के डिपार्टमेंट में फिट कर दिया, मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग में फिट कर दिया। उनको इसी चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, कि उनको देखा जाता है कि इसमें क्या स्किल है, इसको वहीं पर ही जाके फिट कर देते हैं। तो HR डिपार्टमेंट इज़ मस्ट, HR डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर अच्छा एम्प्लॉई हायर नहीं होगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, है ना। बेसिकली अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को तो एम्प्लॉई चलाते हैं इनर वे में, और कस्टमर कंपनी की जान है, कस्टमर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता।
देखिए, जो भी अच्छी मेन पावर आप हायर करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आपका साथ देती है। वो आपकी एक तरीके से वेल्थ है। जैसे एक नेटवर्क होती है ना, ऐसे ही आपकी कंपनी की जो वेल्थ है वो अच्छी मेन पावर है। अच्छी मेन पावर आपका तब साथ देगी जब आपका कोई साथ नहीं देगा, यानी कि सरकार भी साथ नहीं देगी तब अच्छी मेन पावर साथ देगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम घटना ऐसी घट जाती है, कंपनी घाटे में चली जाती है, जो अच्छी मेन पावर होती है वो अपना पैसा ना भी लेके कंपनी को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। तो अपना व्यवहार बनाइए अच्छी मेन पावर के साथ, अपना ताल्लुकात बनाइए। अगर कंपनी घाटे में भी चली गई, ये मत सोच लेना कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है तो घाटे में नहीं जाएगी। देखिए, बिजनेस से कुछ भी हो सकता है। तो अगर कंपनी घाटे में भी चली गई तो अच्छी मेन पावर उसमें अपनी ही सैलरी कट करके, अपना ही पैसा लगा के कंपनी को खड़ा भी करते हैं, ठीक है। तो मेन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप में नवाब मत बन जाना, मेन पावर बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉई बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉई को रखना, उनकी इज्जत करना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो वही आपका साथ देंगे, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का, इस पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें।